गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू TMPS ऑनलाइन क्लासेस। हमारा आज का विषय है री और पदेन की मात्रा। री से जो ऋषि होता है उसकी मात्रा है ये। री की मात्रा हम लोग नीचे लगाते हैं। री की मात्रा जब हम कोई शब्द लिखते हैं, जैसे वृक्ष लिखा है तो व में यहाँ नीचे ऐसे लगाएंगे री की मात्रा। और पदेन की मात्रा क्या होता है? पद, पद मतलब होता है पैर, पद माने पैर। तो पदेन की मात्रा, जो मात्रा हम नीचे लगाते हैं, जैसे हमने क में लगाया तो ये यहाँ पर होगी, ठीक है। इसका उच्चारण होगा क्र और इसका उच्चारण होगा व्र, ठीक है। रि, व, व में रि की मात्रा, क्ष, वृक्ष। न, न में रि और प, नृप। न उसमें र उच्चारण हो रहा है अलग से, थोड़ा सा पता चलता है कि र है, नी री है ना, नी री लग रहा है, नृप। ग, ग में री की मात्रा, गृह, ह, गृह। घ, घ में री की मात्रा, त, घृत, घृत माने घी। म, म में री की मात्रा, ग, मृग, हिरण। अब हम पढ़ेंगे रेफ की मात्रा। च, क, क में पदेन। पदेन क्या होता है? पदेन की मात्रा जो नीचे लगती है, पद माने पैर, तो जो नीचे की ओर, नीचे की ओर मात्रा लगती है उसको बोलते हैं पदेन। क, च, क, क में नीचे पदेन की मात्रा लगी है तो चक्र। फिर क में पदेन, क्र, अम, क्रम माने सीरियल नंबर्स जो होते हैं ना, 1 2 3, क्रम। कैसे हम लोग बोलते हैं क्रमवार आना है, मतलब लाइन से आना है या नंबर से आना है, क्रम। ग, ग में पदेन और ह, गृह, ग्रह। यहाँ पे है गृह और यहाँ ग्रह। गृह मतलब घर और ग्रह जो है, जो हमारे इसमें होते हैं नक्षत्र, ग्रह और नक्षत्र जिनको हम बोलते हैं। ग्रह जो है वो मोस्टली स्काई से भी और ऊपर होते हैं उनको, जैसे कि धरती, पृथ्वी जो है वो भी एक ग्रह है, सूर्य ग्रह है। तो वो जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो वाला ग्रह है ये। और ये गृह माने घर। व और क में पदेन की मात्रा, वक्र। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, जो सीधा नहीं होता है, वक्र। बहुत पॉपुलर वर्ड है वक्र गीता का। क, क में पदेन की मात्रा, क्र और य। क्रय माने खरीदना। तो आज हमने पढ़ा री और पदेन की मात्रा। री की मात्रा के कुछ शब्द हैं वृक्ष, नृप, ग्रह, गृह, घृत, मृग। और पदेन की मात्रा के शब्द हैं चक्र, क्रम, ग्रह, वक्र और क्रय। तो ये मात्राएं आपको अच्छी तरह से पढ़नी है और कैसे इनका प्रयोग करना है ये भी घर में सीखना है। और इसको होमवर्क के लिए, मतलब गृह कार्य, ठीक है, घर का जो काम होता है उसके गृह कार्य के लिए भी लिखना है। थैंक यू चिल्ड्रन।